और जय हिंद। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा, 30 जनवरी 2023 को साइंस बीस स्थापना बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन है नंबर 2, विजक आन जी में आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 किसने जीता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनिश गिरी। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी हाउस इकोनॉमिक्स एमडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 29 जनवरी 2023 को अल जहरा कुवैत में $25,000 ITF रूस टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रजनेश गुणेश्वरन। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, 21 से 31 जनवरी 2023 तक भारतीय सेना और CAPF ने कहा कि संयुक्त परीक्षण अभ्यास त्रिक शक्ति प्रहार आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2.40 करोड़ रुपये। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन नंबर 7, किसने अपने अमेरिकी समकक्ष J.K. सुलिवन के साथ औपचारिक रूप से वाशिंगटन में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET पर UA इंडिया पहल की शुरुआत की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, किसी हालाय में ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स ऑफ लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने जनवरी 2023 में ताड़ के तेल की खेती और प्रशिक्षण के विकास और क्षेत्र के विस्तार के लिए पंजली फूड्स लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षेप किया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नागालैंड। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर दस है यहाँ पर, शांति भूषण जिनके हाल ही में निधन हो गया है, वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कभी भी आ सकता है। कोई सी भी आने वाली जो वैकेंसी होगी यहाँ पर, या आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 फरवरी को यहाँ पर ये मनाया जाता है। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2 फरवरी को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विश्व अंतर्भूमि दिवस। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, किस शहर में खादी उत्सव 23 का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुंबई। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजू सिंह रघुवंशी। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, तेलंगाना में लड़कियों के लिए किस यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वोक्सन यूनिवर्सिटी। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, 29 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना लागू की घोषणा की है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, नवरत्न खनन PSU NMDC ने किस मुक्केबाज को अपना ब्रांड एविशेंडर बनाया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निकत जरीन जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो आज के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 17, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। यदि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।